नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यक्षिणी, दोस्तों क्या आपने यक्षिणी के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, यक्षिणी ने कभी महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा भी ली थी। अगर आपने महाभारत ध्यान से देखा हो या पढ़ा हो तो आपको उसमें यक्षिणी का उल्लेख मिलेगा। हमारे उपनिषदों में भी यक्षिणी का कई बार उल्लेख हुआ है। दोस्तों यक्षिणी एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपका भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ दिखा सकती है। मैं ऐसे कुछ चमत्कारी लोगों को मिल चुका हूँ जिनके पास यक्षिणी है, और यही कारण है कि वो आपके पास्ट को पूरी तरह से डिटेल में बता देते हैं कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। एक बच्चा खो गया था, तब भी हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास गए थे, लखनऊ के पास में ही है दोस्तों, और उन्होंने उसका पता बता दिया और वो पता बिल्कुल सटीक निकला। अब यक्षिणी कई प्रकार की होती है दोस्तों, उसमें से एक यक्षिणी जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ वो है स्वर्ण यक्षिणी। स्वर्ण यक्षिणी एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी देवी है जो आपको धन देगी या धन का रूपक बताएगी कि आपको धन कैसे प्राप्त हो सकता है। दोस्तों जीवन में धन के महत्व को कोई नकार नहीं सकता है, फिर चाहे वो राजा हो या योगी हो या दरिद्र हो या हम जैसे सामान्य मनुष्य। इसकी प्राप्ति के लिए हम लोग कष्ट से कष्टमय जीवन व्यतीत करने को तैयार है। दुष्कर जीवन में भी हम कभी कष्ट करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन धन के प्राप्त करना इतना सहज नहीं है दोस्तों। आकस्मिक धन प्राप्त करने के लिए स्वर्ण यक्षिणी की साधना आवश्यक है। दोस्तों स्वर्ण यक्षिणी की साधना से हम धन प्राप्त कर सकते हैं, धन के स्रोत खुल जाते हैं। दोस्तों यह साधना शुक्रवार की रात्रि को ही करनी चाहिए, उसी दिन स्टार्ट हो। शुक्रवार की रात्र को आप पीले वस्त्र धारण कर साधना कक्ष में एक पीले आसन पर उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं। सामने बजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु धाम से प्राप्त एक मुखी मधु रूपेण रुद्राक्ष की स्थापना करें। सामने घृत का दीपक प्रज्वलित कर लें। तत्पश्चात गणपति जी और दीपक का पूजन कर उनसे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद अवश्य लें। इसके बाद कुमकुम, धूप, सुगंधित पुष्प और सुस्वाद नैवेद्य से रुद्राक्ष का पूजन कर यक्षिणी माला से 21 माला मंत्र जप करें। ये क्रिया 11 दिनों तक संपन्न करना है। आपने अगर किसी शुक्रवार को स्टार्ट किया उसके बाद 11 दिन डेली करना है, वो भी रात्रि के समय। इसके पश्चात उस रुद्राक्ष को पीले कपड़े में बांध कर पूजन स्थल पर ही रख दें। जब भी आपको आकस्मिक धन प्राप्ति की आवश्यक हो तब रात्रि में 5 माला मंत्र जप करें और सो जाए। उसके बाद क्या होगा दोस्तों पता है? आपके स्वप्न में ही वो विधान यक्षिणी आपको बता देगी कि जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप नित्य एक माला उसके बाद करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो सुबह पूजन में आपको नए नए स्रोत खुलते चले जाएंगे। दोस्तों ये मंत्र बहुत ही सिंपल है। दोस्तों ये मंत्र है एम स्वर्ण यक्षिणी मम काव्य सिद्धिम करीम प्रत्यक्षम सिद्धिम स्वर्ण वर्षाय एम एम नमः। मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, यह मंत्र मैं आप हमारे टाइटल में भी डाल दूँगा। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, एम स्वर्ण यक्षिणी मम काव्य सिद्धिम करीम प्रत्यक्षम सिद्धिम स्वर्ण वर्षा एम एम नमः। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि पहले 11 दिन आपको सच्चे दिल से मन लगा के इसे जाप करना होगा, तभी ये फलित होगा। और एक बार आपने उसे कर दिया उसके बाद आप नित्य रोज एक माला भी करते हैं
तब भी आपके धन के स्रोत खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, यह कोई टोना टोटका नहीं है, आप इसे समझिए, यह भी एक आध्यात्म है। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि में आध्यात्म का एक अपना ही महत्व है। मंत्रों की शक्ति को कोई भी नकार नहीं सकता है। मैंने मंत्रों की शक्ति को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मैंने पाया है कि मंत्रों की शक्ति के अधीन देवी देवता भी होते हैं। मंत्रों की शक्ति के अधीन भूत और पिशाच भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूत प्रेत के बाधा के समय मंत्रों की शक्ति बड़ी कारगर सिद्ध होती है, ये मैंने पाया है। धन की प्राप्ति अगर आप सही सार्थक रूप में करना चाहते हैं और आप उसका सही प्रयोग करेंगे, तभी आपको यक्षिणी सपोर्ट करेगी दोस्तों। अगर आप उस धन की प्राप्ति के बाद उसका मकसद कोई गलत हो, तो एक लिमिट से ज़्यादा यक्षिणी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आप सच्चे दिल से अगर इस साधना को पूरा करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन हाँ, मन और दिल दोनों यक्षिणी और परमात्मा के ऊपर समर्पित रहे। सच्चे दिल से आपको ये साधना करनी होगी। साधना रात के समय ही होगा, एकांत में करें ज़्यादा बेहतर है। अगर जंगल या किसी गुप्त स्थान पे करें तो वो बहुत ही सार्थक होता है। लेकिन हाँ, डरना नहीं दोस्तों। कई बार ये संभव है कि आप जब यक्षिणी की साधना करेंगे तो आपको कुछ अलग अलग आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। इससे आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि रात्रि का समय जो होता है वो भूत पिशाच का भी होता है। और अगर आप डेली इसे साधना करते हैं, 11 दिन आप कंटिन्यूस 21 माला करें, उसके बाद आप 5-5 माला पे आ जाए, और उसके बाद अगर आप एक एक माला भी करते हैं तो आप देखिए 4 से 6 महीने में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।